नमस्कार, मैं राजेश और आप देख रहे हैं जीटीवी न्यूज। यूपी के बुलंदशहर में मंडलायुक्त के निर्देश पर आज उप जिलाधिकारी ने खुर्जा में बने क्वारंटाइन सेंटर का निरीक्षण किया, जहां क्वारंटाइन किए गए कुछ लोगों ने मीठा खाने की इच्छा जताई तो कुछ लोगों ने फिल्टर का पानी न मिलने की शिकायत की। खुर्जा की उप जिलाधिकारी ज्वाइंट मजिस्ट्रेट ईशा प्रिया ने बताया कि जब वे अलग अलग स्थानों पर बने क्वारंटाइन सेंटर का निरीक्षण करने पहुंची तो कुछ ग्रामीणों ने मीठा खाने की इच्छा जताई, वहीं दूसरे तरफ क्वारंटाइन किए गए जमातियों ने भी फिल्टर का पानी न मिलने की शिकायत की। ज्वाइंट मजिस्ट्रेट का कहना है कि ग्रामीण किसानों द्वारा की गई मीठा खाने फरमाइश को भी कम्युनिटी किचन के माध्यम से पूरा कराया जाएगा, जबकि जमातियों द्वारा की गई फिल्टर के पानी की शिकायत का भी जल्द समाधान किया जाएगा। पेशे बुलंदशहर से हमारे संवाददाता प्रदीप पंडित की खास रिपोर्ट। आपके द्वारा एक निरीक्षण किया गया है क्वारंटाइन जितने बन रहे हैं, और क्या क्या मांगे उनकी और क्या क्या व्यवस्था की गई है? हम लोग, मैं और सीओ साहब लगभग रोज ही सारे क्वारंटाइन सेंटर्स पर जाते हैं, बट आज मंडल आयुक्त के द्वारा निर्देशित किया गया था कि हम लोग सब जाके एक बार और फीडबैक लें। उसके अंतर्गत हम लोग सारे क्वारंटाइन सेंटर्स पे गए, स्पेशली जो ग्रामीण जहाँ क्षेत्र के लोग जिस क्वारंटाइन सेंटर में आए थे वहाँ थोड़ी सी शिकायत थी कि हम गांव के किसान लोग हैं, हमें मीठा नहीं मिल रहा है खाने को, और कुछ जमातियों का कहना था कि हमें आरओ का पानी चाहिए, समर का पानी नहीं। तो प्रशासन अपनी ओर से सारी जहाँ तक हमारी हम कर सकते हैं हम उनको सहयोग करने की कोशिश कर रहे हैं। मीठे की बात ठीक है, मानव है, और 3 दिन से क्वारंटाइन सेंटर्स में, तो हम लोगों ने आज कहा भी कम्युनिटी किचन के अंतर्गत हम लोग हलवा वगैरह खिलाएंगे उन्हें, और जहाँ तक हो सके हम लोग आरओ की पानी की कोशिश कर रहे हैं कि हम लोग सारे सेंटर्स पे आरओ का पानी भी पहुँचा पाएँ।